गुलमर्ग कश्मीर धरती का स्वर्ग। गुलमर्ग भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में स्थित एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है। ये पश्चिमी हिमालय में पीर पंजाल रेंज में समुद्र तल से 2650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुलमर्ग अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों, सुंदर परिदृश्य और साहसिक खेलों के लिए जाना जाता है। इसे अक्सर फूलों की घास का मैदान और भारत में शीतकालीन खेलों की हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। गुलमर्ग के बारे में कुछ विवरण यहाँ दिए गए हैं। स्थान: गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ सड़क और हवाई मार्ग से पहुँचा जा सकता है। मौसम: गुलमर्ग में दिसंबर से मार्च तक ठंडी और बर्फीली सर्दी का अनुभव होता है। इस दौरान तापमान हिमांक बिंदु से नीचे गिर सकता है। ग्रीष्मकाल: अप्रैल से जून तक 10 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान के साथ हल्का और सुखद होता है। मानसून का मौसम जुलाई से सितंबर तक भारी वर्षा लाता है। आकर्षण: गुलमर्ग का मुख्य आकर्षण इसकी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता है, जिसमें बर्फ से ढके पहाड़, जंगली फूलों के मैदान और घने जंगल शामिल हैं। ये शहर अपने गोल्फ कोर्स के लिए भी प्रसिद्ध है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे गोल्फ कोर्स में से एक है। गुलमर्ग में अन्य लोकप्रिय गतिविधियों में स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, ट्रैकिंग और घुड़सवारी शामिल हैं। स्कीइंग: गुलमर्ग एक विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग गंतव्य है और दुनिया की सबसे ऊंची केबल कारों में से एक है, गुलमर्ग गोंडोला। गुलमर्ग में स्कीइंग सीजन दिसंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। आवास: गुलमर्ग में कई होटल और गेस्ट हाउस हैं जो अलग अलग बजट की जरूरतों को पूरा करते हैं। आगंतुक लग्जरी रिजॉर्ट्स, मिड रेंज होटल और बजट गेस्ट हाउस में से चुन सकते हैं। संस्कृति: गुलमर्ग के लोग मुख्य रूप से कश्मीरी मुसलमान हैं। ये शहर अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। आगंतुक स्थानीय बाजारों में जाकर स्थानीय व्यंजनों को चखकर और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करके स्थानीय कश्मीरी संस्कृति का अनुभव कर सकते हैं। अंत में, गुलमर्ग भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता, साहसिक खेलों और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह एक जरूरी गंतव्य है। डल झील श्रीनगर, कश्मीर। डल झील भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में स्थित एक सुंदर झील है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण के लिए जाना जाता है और इसे अक्सर कश्मीर के मुकुट में गहना के रूप में जाना जाता है। झील बर्फ से ढके पहाड़ों और घने जंगलों से घिरी हुई है और हाउसबोट्स, शिकारा, पारंपरिक कश्मीरी नावें और तैरते बगीचों से भरी हुई है। पर्यटक झील पर कई तरह की गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं, जैसे शिकारा की सवारी करना, तैरते हुए बगीचों का दौरा करना और पानी के ऊपर सूर्यास्त देखना। झील पर कई रेस्तरां और दुकानें भी स्थित हैं, जहां आगंतुक स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं और स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। हालांकि, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कश्मीर में राजनीतिक स्थिति कभी कभी अस्थिर हो सकती है और यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस क्षेत्र की यात्रा की योजना बनाने से पहले नवीनतम समाचार और यात्रा सलाह से अवगत रहें। ट्यूलिप गार्डन और मुगल गार्डन, कश्मीर। भारत में स्थित दो लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण हैं। ट्यूलिप गार्डन, जिसे इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन के रूप में भी जाना जाता है, पृष्ठभूमि में सुरम्य डल झील के साथ जबरवान रेंज की तलहटी में स्थित है। यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, जो लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। उद्यान अपने जीवंत और रंगीन ट्यूलिप फूलों के लिए प्रसिद्ध है, जो वसंत के मौसम में खिलते हैं, आमतौर पर मार्च से अप्रैल तक। ट्यूलिप के अलावा बगीचे में जलकुंभी, डेफोडिल्स और रेनकुन कलस जैसे अन्य फूल भी हैं। उद्यान हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है और खिलने के मौसम के दौरान ट्यूलिप उत्सव का आयोजन करता है।
मुगल गार्डन, जिसे शालीमार बाग के नाम से भी जाना जाता है, श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित एक सीढ़ीदार उद्यान है। इसे 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया था और बाद में उसके बेटे शाहजहां ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। उद्यान लगभग 12 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें सुंदर फव्वारे, झरते, झरनों और रंगीन फूलों की क्यारियों के साथ चार छतें हैं। उद्यान फारसी शैली में बनाया गया है और बगीचे के बीच में एक सुंदर मंडप है। उद्यान ऊंचे चिनार के पेड़ों से घिरा हुआ है और डल झील के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। दोनों उद्यान कश्मीर में घूमने योग्य स्थान हैं और आगंतुकों को एक अनूठा और ताज़ा अनुभव प्रदान करते हैं। मुगल गार्डन, जिसे शालीमार बाग के नाम से भी जाना जाता है, श्रीनगर में डल झील के किनारे स्थित एक सीढ़ीदार उद्यान है। इसे 16वीं शताब्दी में मुगल बादशाह जहांगीर ने बनवाया था और बाद में उसके बेटे शाहजहां ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। उद्यान लगभग 12 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें सुंदर फव्वारे, झरते, झरनों और रंगीन फूलों की क्यारियों के साथ चार छतें हैं। उद्यान फारसी शैली में बनाया गया है और बगीचे के बीच में एक सुंदर मंडप है। उद्यान ऊंचे चिनार के पेड़ों से घिरा हुआ है और डल झील के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। दोनों उद्यान कश्मीर में घूमने योग्य स्थान हैं और आगंतुकों को एक अनूठा और ताज़ा अनुभव प्रदान करते हैं। यह वीडियो हमें नासिक के श्री सुनील पाटिल के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।